अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को स्थापना। हरलोह सीट से 6000 लोग भेजेगी भाजपा। श्रद्धा एक्सप्रेस में किराया 1500। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को स्थापना के बाद से उसका करीब 2 महीने तक भाजपा महोत्सव मनाने जा रही है। हर लोकसभा सीट से 6000 लोग अयोध्या भेजे जाएंगे। श्रद्धा एक्सप्रेस वे ट्रेन चलेगी जिसका फिक्स किराया 1500 रुपए होगा। अयोध्या जाने वाले लोग भी चिन्हित होंगे जिसमें यूथ और प्रभावकारी लोगों के साथ SC ST के भी प्रमुख लोग होंगे। भाजपा की ये तैयारी लॉस चुनाव के लिहाज से है। सीहोर के एक रिसोर्ट में हुई चिंतन बैठक में इसका रोड मैप बन गया है। जो अपना किराया नहीं दे पाएगा उसका पार्टी देगी। राम मंदिर महोत्सव के लिए प्रदेश में 7 क्लस्टर बनाए गए हैं जिसके इंचार्ज इस काम को देखेंगे। लोगों को भेजने का सिलसिला जनवरी आखिर से शुरू होगा, ये मार्च तक चल सकता है। जो व्यक्ति खुद का किराया देने में सक्षम नहीं होगा उसका पार्टी देगी। बैठक को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद ने संबोधित किया। संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जूटिया और पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान भी रहे। शिव प्रकाश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत से कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे। लोकसभा का चुनाव अलग है, अभी से पूरी ताकत झोंकनी है। बूथों के साथ सोशल मीडिया पर भी ठोस तरीके से काम हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।